हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज फॉसिल्स। फॉसिल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब खुदाई द्वारा प्राप्त करना होता है। फॉसिल या जीवाश्म की बात करें तो ये पुरातन समय के मृत जीव अथवा उनके विभिन्न अंग या अवशेष जो भूमि में दबे हुए हैं उन्हें जीवाश्म या फॉसिल्स कहा जाता है। फॉसिल की मदद से हमें ये पता चलता है कि अर्थ में पहले लाइफ कैसी होती है। फॉसिल के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इस स्लाइड में क्रोकोडाइल के एग्जांपल से फॉसिल फॉर्मेशन समझाया गया है। मान लो कोई एंशियंट टाइम में क्रोकोडाइल है जिसकी डेथ हो जाती है और वो नदी के बॉटम में आकर सेटल्ड हो जाता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी डीकम्पोज होने लगती है और ये मिलियंस ईयर तक ऐसे यहीं पे रहता है। उसके ऊपर जो भी सेडिमेंट लेयर्स है वो काफ़ी कठोर होकर एक रॉक बनाती है और जिस कारण जो क्रोकोडाइल है वो फॉसिल के रूप में प्रिजर्व्ड हो जाता है। जब खुदाई के टाइम ये फॉसिल्स किसी को मिल जाए तो ये फॉसिल एक्सपोज्ड हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी फॉसिल फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। मान लो एग्जांपल डायनासोर है जिसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अगर वो क्यूकली मर्ड या सैंड के अंदर बरी हो जाता है तो वो आगे चलकर फॉसिल बन सकता है। अगर ये डायनासोर को कोई खा ले या फिर ये सड़ जाए तो कोई भी फॉसिल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये सैंड या मर्ड के अंदर बरी हो जाते हैं तो इनके ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर एसिडिटी काम करते हैं जो इसको और कठोर बना देता है एज इन फॉसिल्स। अगेन यहाँ पे चांसेस है कि ये रॉट हो जाए या सड़ जाए तो कोई भी फॉसिल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ फॉसिल्स के बारे में तो यहाँ पर जो फर्स्ट है मोल्ड। मोल्ड का क्या मतलब होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मर्ड के अंदर आकर फिक्स हो जाता है और उसके चारों तरफ एक आकार बनने लगता है और धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक हो जाए और उस जगह को छोड़ दे तो वो मोल्ड कहलाता है। सेकंड है कास्ट। कास्ट की अगर हम बात करें जो फर्स्ट केस में मोल्ड बना हुआ था वो एक खाली जगह है और इस खाली जगह में अगर कोई चीज़ आकर फिल हो जाए तो उसे हम कास्ट कहते हैं। एम्बर ट्री की सेकेंडरी प्रोडक्ट है फॉर एन एग्जांपल रेजिन टाइप का। अगर वहाँ पर रेजिन फॉर्मेशन या एम्बर फॉर्मेशन के रूप में अगर कोई इंसेक्ट फॉर्मेशन के टाइम वहाँ पे आके इंट्रैप्ड हो जाता है तो वो भी फॉसिल बन जाता है और एम्बर खुद भी प्लांट का प्रोडक्ट है जो कि हमें फॉसिल्स के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए एम्बर को फॉसिल विद इन फॉसिल्स भी कहा जाता है। लास्ट जो फॉर्म है दैट इज़ पेट्रीफाइड वुड। पेट्रीफाइड वुड की बात करें तो यहाँ पर हम ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ट्री अगर डाई कर जाता है और मर्ड के अंदर ये कवर हो जाता है, धीरे धीरे जो वुड की जगह है वो मिनरल्स ले लेते हैं और ये काफ़ी सख्त हो जाता है और फॉसिल्स के रूप में ये प्रिजर्व्ड हो जाता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स हैं।